राजवर्धन सिंह राजू ने शुरू किया घर घर दस्तक अभियान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। स्वायत्तपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राजू ने अपने पैतृक गांव से किया प्रचार अभियान का श्री गणेश। जनपद हरदोई की स्वायत्तपुर सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे राजवर्धन सिंह राजू अपने अभियानों से लगातार चर्चा में है। इसी कड़ी में उन्होंने सोमवार को अपने पैतृक गाँव गौरिया से हर घर घर दस्तक अभियान का श्री गणेश किया है। अभियान का शुभारंभ करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राजू सोमवार सुबह अपने पैतृक गाँव गौरिया पहुंचे। उन्होंने परिवार के बड़ों के साथ गांव के बुजुर्गों से विजय श्री का आशीष मांगा। उन्होंने बताया कि घर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की समस्याओं का रजिस्टर बनाया जा रहा है। चुनाव में विजय श्री मिलने के बाद प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का समाधान निश्चित किराया जाएगा। गौरतलब हो कि स्वायत्तपुर विधानसभा से कांग्रेस ने प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता राजवर्धन सिंह राजू को अपना प्रत्याशी बनाकर बढ़त ले ली है। कांग्रेस प्रत्याशी राजवर्धन सिंह ने सोमवार को घर घर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इसके लिए उन्होंने पैतृक गांव विकास खंड हरपालपुर के ग्राम सभा गौरिया का चयन किया। गांव के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर उन्होंने निकारी एवं अन्ना महितापुर ढिंगासर आदि गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर समस्याओं का निस्तारण करूंगा। हमारा स्वायत्तपुर जो आज विकास और प्रगति के रास्ते से कहीं भटक गया है, उसे वापस उस रास्ते पर लाऊंगा। आने वाली 23 फरवरी को मुझे आपकी साथ की जरूरत है। अपने बेटे राजवर्धन सिंह राजू को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर वोट डालकर भारी मतों से विजय बना देना। उन्होंने बताया कि घर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की समस्याओं का रजिस्टर बनाया जा रहा है। चुनाव में विजय श्री मिलने के बाद प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव अरविंद शुक्ला, वर्तमान प्रधान पुष्पेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान देवेश शुक्ला, क्षेत्र पंचायत सदस्य गोपाल सिंह, राजेश सिंह, रहतौरा बाबा आदि सैकड़ों समर्थक व पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी 154 के सबसे पहले हमने आज जो है अपनी जन्मभूमि जो गोरिया गांव की थी, गोरिया गांव में लोगों से आशीर्वाद लिया और अपने गांव के सभी परिवारजनों से कहा कि अब चुनाव की बेला में निकल पड़ो। उसके बाद अन्ना गए, डिगासर गए, निकारी गए, तमाम ग्रामीणों के बीच में आज हम निकले हैं। और इस क्षेत्र में जो दो प्रत्याशी और लड़ रहे हैं सपा और भाजपा के, दोनों को जनता ने पूरी तरीके से बहिष्कृत कर दिया है। चूंकि भाजपा के 5 साल में हम जिन गांव में गए हैं, ना वहां निकास के लिए रास्ते हैं, ना लोगों के लिए आवास है, अन्य कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं समाजवादी पार्टी का खुलेआम प्रत्याशी गुंडई कर रहा है। यहाँ पे जब बहुजन समाज पार्टी के विधायक जी की असमय मृत्यु हुई थी तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने पटाखे दबाए थे उपेंद्र तिवारी की मृत्यु पे। क्या तमाम तरीके की जो चीजें हैं, सहानुभूति, सिंपथी और गरीबों का आशीर्वाद राजवर्धन सिंह राजू को मिल रहा है और इन्हीं के आशीर्वाद को लेकर हम विधानसभा की रणभूमि में और इन्हीं के चरणों की सौगंध से हम जीतेंगे चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद।